अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी ना रात के हुए हैं यहाँ पे एक लाहौर पाकिस्तान में हम लोग, और हम लोग बनवाने जा रहे हैं अपना नाइकॉप, यानी कि मेरा नाइकॉप। जिस दिन से हम आए हैं हमें टाइम ही नहीं मिल सका, हम बहुत मतलब दिनों से जाना चाह रहे थे लेकिन जा ही नहीं पाए। तो हमने सोचा कि यार अपना हम लोग चले जाते हैं नाइकॉप बनवाने। और अभी हम लोग इस तरफ को आए हुए थे, मीनारे पाकिस्तान वाली साइड पे पहले आए, यहाँ पे हमने किसी को ड्रॉप करना था तो ड्रॉप करके अब हम वापस मतलब उस तरफ को जा रहे हैं जहाँ पे नाइकॉप का बनवाने के लिए। जानी कहाँ से बनता है, नादरा ऑफिस से? हाँ, डेविस रोड जा रहे हैं, नादरा ऑफिस से बनवाएंगे नाइकॉप। और फिर मैं आप लोगों को साथ साथ सारा दिखा दूँगी कि कैसे बनता है। पहले हम जब पाकिस्तान आए हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप ना मतलब पाकिस्तान जाके बनवा लेना। तो हमने सोचा कि अमेरिका से क्या बनवाना है, अब मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवल करके आ गई थी तो अब ना मैं नाइकॉप बनवाने लगी। सो मेरे साथ आइएगा और देखिएगा। और ये देखें बाहर पाकिस्तान के की रौनकें और ये खूबसूरतियाँ जो कि हम सारा साल पाकिस्तान को मिस करते हैं, इसलिए मैं सारा कुछ कैप्चर कर रही हूँ कि नेक्स्ट जब मैं ये व्लॉग देखूँ तो मुझे ये चीज़ें माइंड में रहें। वैसे भी नाइकॉप एक ऐसी चीज़ है जो आप ज़िंदगी में मतलब 10 साल के लिए होता है, तो आप 10 साल बाद ही दोबारा बनवाओगे, तो ये एक मेमोरेबल चीज़ है। इसलिए मैंने कहा कि व्लॉग बनाना बनता है ताकि ये मेरे रिकॉर्ड में रहे। सो मेरे साथ आइएगा। तो ये है वो नादरा ऑफिस जहाँ पे हम आ गए हैं, और ये मेरा भांजा है मेरे साथ। देखिए इतना बड़ा माशाल्लाह से मेरा भांजा है, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। ये मेरी बहन का बेटा है और ना ये माशाल्लाह से मैरिड है, इसकी भी अमेरिका में ही शादी हुई हुई है, इसने भी सून वहाँ पे चले जाना है। उसके बाद जाते हैं, ये है नादरा ऑफिस, ठीक है। और मेन बात ये कि नादरा ऑफिस में ना नाइकॉप के लिए फॉर्म जो फिल करवाना था वो मैंने करवा दिया है। टोटल फीस लगी है 10,990 रुपीज़ इन पाकिस्तानी रुपीज़। और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने क्योंकि सिंपल बनवाया, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने कहा है कि 1 मंथ वाला बना दें, और 1 मंथ की ये फ़ीस है। अब पता नहीं 15 डेज़ की और बाकी की कम थी, मतलब ज़्यादा फ़ीस थी, लेकिन वो हमने पूछी नहीं कि कितनी है। लेकिन ये है कि हम लोगों ने 1 मंथ वाला बनवाया है और उसकी ये फ़ीस है। और अब हम लोग, मैंने कहा मैं आप लोगों से ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ, जो भी लोग यहाँ पे स्पेशली मुझे USA से देख रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट बन गया है और अगर आप लोग वहाँ पर अर्जेंट में नहीं बनवा पाते नाइकॉप, तो आपको ज़रूरत नहीं है बनवाने की, आप पाकिस्तान आके भी बनवा सकते हैं आराम से, ईज़िली। तो मैं भी, हम लोगों ने भी इसीलिए पाकिस्तान, वैसे तो इन्होंने मुझे ये भी मशवरा दिया था कि आपको नाइकॉप बनवाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है और पाकिस्तानी आईडी कार्ड है ना तो आप उसी पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा नहीं, ज़ोया के पास था नाइकॉप, जयान के पास था, मेरे हस्बैंड के पास था, तो फिर हमने सोचा कि नहीं यार नाइकॉप मैं भी बनवा लेती हूँ, कोई बात नहीं, मतलब मेरे पास भी हम लोगों की सेम चीज़ें होनी चाहिए, तो दैट्स वाई हम लोगों ने नाइकॉप बनवाए हैं। तो ये था यहाँ पे इतना व्लॉग नाइकॉप का, इसके बाद मैं देखती हूँ। और ये हम लोग बाहर आके नादरा ऑफिस में बैठे हैं, इस टाइम रात के हुए हैं 3। कैन यू इमेजिन कि हम लोग सारी रात यहाँ पे जागते हैं। और कल हमारी फ़्लाइट है, कहाँ की फ़्लाइट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। फॉर नाउ ये है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा माहौल, और फिर शायद मैं हम बाहर से खाना खाने जाएँ, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। हम लोग ना कुछ बर्गर्स वगैरह खाने जा रहे हैं। किस एरिया में जा रही हैं हम लोग जा रहे हैं अभी? अच्छा बात सुनो, ये जो इस व्लॉग में ना एड्रेस, ये देखिए ये लाहौर की ना नाइट लाइफ है, ठीक है। इस टाइम हम लोग टेंपल रोड पे हैं, टेंपल रोड पे हम लोग नादरा ऑफिस आए हुए थे ना, तो हमने सोचा कि अब खाना खा के ही जाते हैं कुछ। तो ये सारा, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त सा माहौल है, इतना ज़बरदस्त सा सब कुछ है, और बहुत ही मतलब अच्छा है, आप देख सकते हैं। हम तो वैसे भी यार पाकिस्तान के बहुत बड़े लवर हैं, और ऑब्वियसली लाहौर के तो लवर्स हैं ही, क्योंकि लाहौर हम लोग सारा टाइम रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी बेटी, बाय कुकीज़, ओके नहीं जान, श्योर वी विल बाय फ्यू, श्योर। हम लोग इस टाइम ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा बर्गर, लेकिन यानी बर्गर ना मेरा, तो कुछ और खा ले। हाँ, कुछ और खा लेंगे।
ये देखना ना, ये यहाँ पे बर्गर है, फिंगर बर्गर भी। चॉकलेट कुकीज श्योर। ये लाहौर की नाइट लाइफ है, एक खास रौनक है जो कि पता नहीं शायद उमर जमाने कदीम से आ रही है, कदीम चलती रही है। और ये भी हम टेंपल रोड पे इस वक्त खड़े हो। हाँ हाँ बना बनवाऊंगा। वो सामने, अच्छा वो सामने जो है ना, ये एक लाहौर के कल्चर का हिस्सा है, सिगरेट पान की दुकान ज़रूरी है हर जगह पे। वो देखें, वो 70 रुपये का मिल्क शेक मिल रहा है। ये मस्जिद है, मसाजिद जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये कौन सी जगह भाई उमर, कौन सी जगह है ये? ये टेंपल रोड है, ये टेंपल रोड है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं जो कि लाहौर की एक कदीम फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। राइट, सबसे मशहूर जगह। हाँ, हीरा चरगाह, ये जो है ना ओरिजिनल हीरा चरगाह है, जिन्होंने ब्रांचेस भी अपनी बना ली हैं पैरागॉन सिटी के पास, मगर ये बहुत ओरिजिनल टेस्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें जी, ये क्या है, गुर्दा, गुर्दा चाप शॉप। सजियां बन रही है, स्मेल कैसी है? स्मेल तो देसी फूड की ऐसे होती है ना, अमेजिंग वो वाली। मुझे जो है ना नॉस्टैल्जिक लग रहा है, बचपन की यादें, जो जहाँ मर्जी इंसान पहुँच जाए मगर लाहौर से बिलोंग करता है और यहीं पर बचपन सारा गुजरा है, इन्हीं दुकानों पे, इन्हीं रौनकों में। ठीक है, तो वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग बड़ी अच्छी है और खुशी होती है देख के कि वही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आप अभी इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ हीरा चरगाह टेंपल रोड पे, आबिद मार्केट के पास। बहुत मशहूर दुकान है ये, बड़ी पॉपुलर है, इनकी और भी ब्रांचेस बन गई हैं मगर ये सबसे बेस्ट है शायद। आप बताएं, नाइट लाइफ कहाँ की बेहतर है, पाकिस्तान की या अमेरिका की? यार पाकिस्तान की नाइट लाइफ बहुत आगे है, मगर वही बात है कि पाकिस्तान के अपने प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, मगर ये है कि पाकिस्तान में नाइट लाइफ, अगर आप रात के 3 बजे 4 बजे भी निकलेंगे ना तो आपको फ्रेश खाना मिलेगा। अभी आपको पता है क्या टाइम हो रहा है? अभी मेरे ख्याल है 3 बज रहे हैं, तो ढाई तीन बज रहे हैं। और ये है कि मैं ये बात मेंशन करना चाहता हूँ कि ना पाकिस्तान के साथ जब आप बैरून मुल्क में ज़्यादा टाइम रहें, वहाँ से आप बोर हो जाते हैं, फिर आपको दिल करता है कि आप अपने मुल्क में टाइम स्पेंड करें, और आई थिंक अब उस स्टेज पर मैं हूँ कम से कम, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। वेरी गुड। अच्छा यार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब लाहौर का ये कल्चर है कि लाहौर में ना ये जो मार्केट्स हैं ना, ये सारी, ये असल में फूड मार्केट्स नहीं है, असल में ये अप्लायंसेस की मार्केट्स हैं, मगर रात को ये देखें यहाँ पर फूड माहौल है, पूरा टेंपल रोड फूड से बड़ा। वो सामने देखें, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी आइसक्रीम शॉप नज़र आ रही है, और ये लाहौर में नई आइसक्रीम शॉप्स बनी हैं अब। पुरानी कदीम से दुकान है ये, मामा कबाब,
राइट। तो ये है कि ये देखें, अब आप ये नोट करेंगे कि ये सारी ना, ये आप नोट करेंगे, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं और ये जो ये ट्रैश है ना, ये लाहौर का नॉर्मल हिस्सा है, ये हमेशा से ही ऐसे रहा है, मगर लाहौर जो है ना वो इतना बड़ा मेट्रो है कि यहाँ पर शायद यहाँ की आबादी पता नहीं, शायद मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, चार करोड़ से भी ज़्यादा होगी आबादी यहाँ की। तो ये एक यूनिक शहर है, इसकी जो हिस्ट्री है वो है कि ये ज़माना कदीम में मुग़ल एम्पायर में था, बाद में ब्रिटिश रूल में ये एक्सपेंड हुआ ज़्यादा, और बड़ा हिस्टोरिकल शहर है। और ये देखें कि यहाँ पे आबादी कितनी ज़्यादा है, आखिर कोई तो बात है ना कि यहाँ पर आबादी बढ़ती जाती है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं रहने के लिए, राइट, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है सब। हाँ, हमने जो है ना ऑर्डर किया है ये गुर्दे कपूरे का सालन, जो कि एक बड़ी यूनिक और ट्रेडिशनल डिश है, ये हमारा बन रहा है। अब ये देखें, ये ना स्टीम के अंदर पका रहे हैं इसको, ये हमने ना लाहौर में आई थिंक जिंजर बर्गर जो है ना, राइट, वो बड़ा पॉपुलर हो गया है, और इसकी प्राइस सिर्फ 280 रुपीज़ है। देखें, 280 रुपीज़ में आपको इस तरह का बर्गर इतना मज़ेदार कहीं भी नहीं मिलेगा। जा रहे हैं वापस, और तब तक के लिए अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान में आई हुई हूँ तो मैं चाह रही हूँ कि मैं ना आप लोगों को, लास्ट ईयर में पाकिस्तान के व्लॉग्स नहीं शेयर कर पाई थी, इस बार भी पहले तो मेरा बच्चा बहुत बीमार रहा है, हम बहुत कम निकले हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ा बहुत तो व्लॉगिंग करना बनता है। सो आज के लिए इतना ही था, अपनी दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।